Hello everyone, how are you all? Welcome back to Science Lecture. Our today's topic is Chapter 9, Housing and Clothing. आज हम Housing and Clothing के बारे में learn करेंगे. So open your book. A house is one of our basic needs. House जो है हमारी basic needs है. House के बिना हम नहीं रह सकते. All of us need a house to live in. All of us means हम सभी को need a house means जरूरत है किसकी house की to live in इसमें रहने के लिए. A house protect us from bad weather, wild animals and enemies. House हमें किससे protect करता है. Bad weather means खराब मौसम होता है उससे protect करता है. Wild animals से और enemies means हमारे दुश्मन से हमारे शत्रु से. Types of houses. हाउसेस के टाइप कितने होते किस किस तरह के हाउस होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. एक फर्स्ट है टेम्परेरी TEMPORARY टेम्परेरी हाउस एंड परमानेंट हाउस PERMANENT परमानेंट हाउस. टेम्परेरी हाउस किसे कहते हैं. अ टेम्परेरी और कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड स्ट्रॉ कैनवास एंड बोर्ड. टेम्परेरी हाउस मीन्स होता है कच्चा हाउस जो किससे किससे बनता है मड से स्ट्रॉ से कैनवास से और वुड से. दीज हाउस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस तरह के हाउस को हम कहीं पर भी बना सकते हैं. द पीपल हु लिव एट वन प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बिल्ड दिस हाउस. यदि किसी को कुछ दिनों के लिए कहीं पर रहना है तो इस तरह के हाउस हम बिल्ड कर सकते हैं. तो Who live at one place for a very short time build these houses. Tent. Tent किस तरह का house है. A tent is a temporary house. Tent जो होता है वो temporary house होता है. It is made of canvas and can be fixed anywhere. ये canvas से बना हुआ होता है और कहीं पर भी हम इसे fixed कर सकते हैं कहीं पर भी बना सकते हैं. तो ऐसे house को कौन use करता है. Soldiers, trackers and scouts generally use tents for camping. अपना कैंप बनाने के लिए ये soldiers जो होते हैं means army में जो होते हैं. trackers means लंबी जर्नी करने वाले long यात्रा करने वाले. और scouts ये अपने कहीं पर भी इनको कैंप लगाना होता है वहाँ पर ये टेंट बना लेते हैं मीन्स इस तरह के हाउस बना लेते हैं जो कि एक थिक क्लोथ से बना हुआ होता है. इसे हम कौन सा हाउस कहते हैं. टेंट. हट. हट किस तरह का हाउस है. अ हट इज द मोस्ट कॉमन टेम्परेरी हाउस. इससे भी कॉमन टेम्परेरी हाउस है. इट इज़ यूजली सीन इन विलेज जहाँ कहाँ पर गाँव में दिखाई देते हैं ज़्यादा. इट इज़ मेड ऑफ मड और बम्बू. ये मड से और बम्बू से बनाए जाते हैं. हट्स आर कच्चा हाउस. दे डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम. ये बहुत दिनों तक नहीं होते. ये सेकेंड नंबर का जो हाउस दिख रहा है ना ये कौन सा हाउस है. हट है ये. ये किससे बनता है. स्ट्रॉ एंड बम्बू से बनता है. मड स्ट्रॉ एंड बम्बू से बनता है. इस तरह के हाउस को हम क्या कहते हैं. हट कहते हैं. और ये कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. विलेजेस में गाँवों में ज़्यादा मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट हाउस इज कारावन. कारावन किस तरह के हाउस होते हैं. यहाँ पर देखिए आपको ये हाउस दिख रहा है इसमें व्हील लगे हुए दिख रहे हैं ना. इसे हम कौन सा हाउस कहते हैं. कारावन हाउस. अ कारावन इज अ टेम्परेरी हाउस मेड ऑन व्हील्स. ये भी टेम्परेरी हाउस है जिसमें व्हील्स होते हैं. क्या होते हैं. व्हील्स. अब आपको पता है व्हील्स किस काम आते हैं. यदि इस हाउस को कहीं पर ले जाना हो यहाँ से वहाँ हमें कहीं पर भी रहना हो तो व्हील्स के थ्रू इस हाउस को हम ले जा सकते हैं. A caravan is a temporary house made on wheels. People like gypsies who travel a lot live in such house. Gypsies means बंजारे जिनको कभी इधर रहना कभी दूसरे place पर रहना. तो ये किस पर travel करते हैं. Mostly caravan पर ये travel करते हैं. A lot live in such houses. Caravans are also driven by animals. ये animals के द्वारा भी ले जाए जा सकते हैं. Wheels तो होते हैं इसमें पर animals के द्वारा भी वो ले जाए जाते हैं. हाउस बोट. उसके बाद नेक्स्ट हाउस है हाउस बोट. ये भी आपको दिखाई दे रहा है. ये किस पे फ्लोट हो रहा है. यस वाटर पे. ये हाउस बोट जो है ये किस पे चलती है. वाटर पे. तो हाउस बोट इज अ टेम्परेरी हाउस. ये भी एक टेम्परेरी हाउस है जो कहाँ पर फ्लोट होता है. वाटर में. हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर. दे आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. ये कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. कश्मीर में. कश्मीर स्टेट है एंड दूसरा केरला. टूरिस्ट हु कम टू विजिट दिस प्लेस लाइक टू लिव इन हाउस बोट. जो बाहर से लोग देखने वाले आते हैं तो वो कहाँ पर
हाउस बोट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हाउस बोट में मूव करते हैं, घूमते हैं। तो हमने कच्चे हाउस के कौन कौन से हाउस पढ़े, हट, फिर टेंट, देन कारावन एंड हाउस बोट। ये किस तरह के हाउस है, टेम्परेरी हाउस। नाउ इग्लू, इग्लू जो होता है वो आइस से बना होता है, किससे बना होता है, आइस से। ये देखिए ये बना हुआ है, ये हाउस क्या है, इग्लू है। सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, कुछ क्षेत्र जो होते हैं बहुत कोल्ड मीन्स बहुत ठंडे होते हैं, तो दे आर कवर्ड विथ स्नो, किससे कवर होते हैं, स्नो से मीन्स बर्फ से, ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। सो पीपल लिव इन हाउस मेड ऑफ स्नो, अ स्नो हाउस इज कॉल्ड एन इग्लू। ऐसे हाउस को हम क्या कहते हैं, जो स्नो से बने हुए हाउस होते हैं उसे हम इग्लू कहते हैं। एक्जिमोस और इन यूनिट्स लिव इन इग्लू, एक्जिमोस और इन यूनिट्स क्या है, एक बर्फीले प्रदेश में रहने वाली एक जाति है, जो किस पर रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस मीन्स पक्का हाउस। अब परमानेंट और पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन। परमानेंट हाउस जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ब्रिक्स मीन्स ईंट, सीमेंट और आयरन मीन्स लोहा, इन चीज़ों से बने हुए होते हैं। द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास, और उसके डोर्स और विंडोज किससे बने हुए होते हैं, ग्लास से मीन्स कांच से बने हुए होते हैं। पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पक्के हाउस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत दिनों तक होते हैं। टाउन्स एंड सिटीज हैव सच टाइप ऑफ हाउसेस, ये हाउसेस ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, टाउन्स मीन्स और सिटीज में, मीन्स शहरों में होते हैं। बंगलोज, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस। जैसे हमने कच्चे हाउस के एग्जाम्पल्स पढ़े, हर टेंट, कारावन, इसी तरह पक्के हाउस में क्या कौन कौन से हाउस आते हैं, बंगलोज मीन्स बहुत बड़े बड़े बंगले, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसकी बहुत सारे स्टोरीज होती हैं, आर सम एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस। देखिए इस तरफ से बना हुआ है, इस हाउस को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। रूफ्स, अब हाउस के रूफ्स जो होते हैं ऊपर का जो प्लेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। तो रूफ्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट प्लेसेस, रूफ्स हैव डिफरेंट शेप, रूफ्स जो होते हैं डिफरेंट शेप के हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ रूफ्स अ हाउस मे हैव। अब उसकी उस एरिया की का निर्धारित जो कंडीशन है उस तरह से रूप्स होते हैं, जैसे फ्लैट्स रूप्स आर सुटेबल इन प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज। अब उस भी रूप्स जो होते हैं टू टाइप्स ऑफ होते हैं, एक फ्लैट रूप्स होता है, एक स्लोपिंग होता है। तो फ्लैट रूप्स जो होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है, प्लेन्स के लिए और ड्राई एरियाज के लिए, प्लेन्स और ड्राई एरियाज के लिए फ्लैट रूप्स होता है, फ्लैट रूप्स प्लेन्स और ड्राई एरियाज में होते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्लोपिंग रूप्स, स्लोपिंग रूप्स आर सुटेबल इन हिली एरिया, जो पहाड़ियों में होते हैं, पहाड़ी का क्षेत्र होता है उसमें रूप्स कैसे होते हैं, स्लोपिंग होते हैं। एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल, ऐसे हिली एरियाज जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत बारिश होती है और स्नोफॉल भी होता है, तो इससे बचने के लिए वहाँ पर स्लोपिंग रूप्स बनाए जाते हैं। सच रूप्स कॉज रेन वाटर और स्नो टू फ्लो डाउन इजीली, ऐसे रूप्स में जो वाटर और स्नो है अच्छी तरह से फ्लो हो जाती है, नीचे जल्दी निकल जाते हैं, इस तरह के रूप्स को हम स्लोपिंग रूप्स कहते हैं। एन आइडियल हाउस, आइडियल हाउस मीन्स एक आदर्श हाउस, इसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। अ हाउस दैट इज सुटेबल टू वंस नीड इज एन आइडियल हाउस, एन आइडियल हाउस शुड लेट इन सफिशियंट सनलाइट, ऐसे हाउस में पर्याप्त सनलाइट मीन्स पर्याप्त धूप होती है एंड फ्रेश एयर और ताज़ी हवा भी होती है। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स एरिया मस्ट बी क्लीन, और उसके आसपास का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, एकदम क्लीन होता है। देयर शुड बी प्लांट्स अराउंड इट, और उसके आसपास प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स जब होते हैं तो एयर जो होती है वो फ्रेश हो जाती है। इट शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर वेलकमिंग गेस्ट, स्लीपिंग, स्टडिंग, ईटिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग, ऐसे इस तरह के हाउस में सारे रूम सेपरेट होते हैं। गेस्ट का वेलकम करना हो तो गेस्ट रूम होता है, स्लीपिंग करने के लिए बेडरूम होता है, स्टडिंग करने के लिए स्टडी रूम होता है, ईटिंग करने के लिए डाइनिंग रूम होता है, कुकिंग करने के लिए किचन होता है एंड वॉशिंग करने के लिए बाथरूम होता है। इसमें सारे रूम्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं। क्लोथ्स वी वियर, अब हम किस तरह के क्लोथ्स
कौन से सीजन में पहनते हैं। 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। इसमें हम किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं? तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि क्लोथ्स जो हम पहनते हैं तो ये क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ये हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड मीन्स ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं, रेन बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट एंड इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर एंड सीजन। जब वेदर चेंज होता है उस तरह के हम क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। जब समर का सीजन आता है तब हमें क्या लगता है, बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो ऐसे में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं हमें कैसे रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो दे कीप अस कूल, ये हमें ठंडा रखते हैं। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। जब विंटर का सीजन आता है, जब बहुत ठंडी होती है, तब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूल मतलब ऊन, ऊन से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं। वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास When it rains, अब जब मानसून का सीजन आता है, बहुत भारी बारिश होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। They protect us from getting wet, ये हमें गीला होने से बचाते हैं। We wear a swimming costumes when we go for swimming, जब हम swimming करने के लिए जाते हैं तो swimming करने वाले कपड़े पहनते हैं, swimming costume पहनते हैं। वी शुड वेयर क्लीन एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन मतलब साफ एंड कम्फर्टेबल, जो हमें पहनने में आरामदायक लगे, कम्फर्टेबल लगे। क्लोथ्स शुड ऑल्सो बी वॉर्न अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, ओकेशन में भी हमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। वी लाइक टू वेयर न्यू क्लोथ्स फॉर अ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, जब कोई फेस्टिवल होता है और कोई सेलिब्रेशन होता है तब हम उस तरह के नए कपड़े पहनते हैं, नए क्लोथ्स पहनते हैं। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट में कॉटन क्लोथ्स, सेकंड में वूलन क्लोथ्स एंड थर्ड में क्या है, रेनी क्लोथ्स, मीन्स जो हम रेनी सीजन में पहनते हैं। रिमेंबर, इस लेसन से आपने क्या सीखा, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीप्स। हाउस हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, सन से, रेन से, वाइल्ड एनिमल से और विंड से और थीप से। अ हाउस मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, हाउस किसी भी तरह के हो सकते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट मटेरियल आर यूज टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट टाइप्स के हाउस बनाए जाते हैं। अ हाउस शुड बी एयरी एंड क्लीन, हाउस किस तरह के होने चाहिए, एयरी जिसमें हवा आती हो और क्लीन। रूफ्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, रूफ्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, रूफ्स जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स होते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग वेदर एंड सीजन, हम किस तरह से क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं। इस तरह से आपको सारा लेसन अच्छी तरह से लर्न करना है। So see you in the next lecture. Till then, bye bye.